तरफ पृथ्वी पर घने जंगलों में अर्जुन का जन्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नागमणि के लिए भीषण युद्ध चल रहा था। दुनिया की पहली ऐसी मां जो अपने बच्चे के जन्म पर खुश नहीं है। किसी भी मां के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने आंचल में अपने बच्चे की किलकारियां होती है, पर आज मेरी ममता बहुत दुखी है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं जानती हूं आने वाले भविष्य में तुम्हें अपने पिता से लड़ना होगा। नागलोक के सेनापति महाबली हस्तिका से तुम्हें लड़ना होगा तुम्हें अपने पिता महाबली हस्तिका से। पिता आएंगे लेकिन पिता का प्यार लेकर नहीं, अपने नाजायज अधिकार को लेकर। तुम्हें मुझसे छीन ले जाने अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। उनकी अपार शक्ति को रोकना आसान नहीं है। मेरी ममता बनेगी तुम्हारा कवच। आश्चर्य की बात है, नागवंश का महायोद्धा महाविद्वान अस्तिका तक्षक के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। तक्षक की मलिन महत्वाकांक्षाओं के लिए कितने नागों का रक्त बहाओगे तुम? नागमणि का मोह छोड़ दो। ये मोह नहीं, कर्तव्य है नागदेव, नागलोक के प्रति कर्तव्य, महाराज तक्षक के प्रति कर्तव्य। Oh!
शक्ति पाकर तक्षक पूरे ब्रह्मांड में विध्वंस मचा देगा। समस्त मनुष्य जाति का सर्वनाश कर देगा वो। जैसे त्रिशूल महादेव के हाथों में, वज्र इंद्र के हाथों में, वैसे ये मणि उन हाथों में होना चाहिए जिससे तीनों लोगों का कल्याण हो सके। ये मणि मैं तक्षक के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। ये मणि तो मैं लेकर आऊंगा। आज मैं अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा। अच्छा है आप यहीं हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां। ममता के हाथों मजबूर होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे रही हूं, किंतु एक हाथ से अपने अश्रु भी पोंछ रही हूं। मैं आपकी संवेदना समझ सकता हूं, लेकिन एक योद्धा होने के नाते मैं भावनाओं में नहीं बह सकता। मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये मणि तक्षक को देने के बाद तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मेरा एक ही कर्तव्य है मां, नागलोक की सुरक्षा, सिंहासन की रक्षा। जब तक नागमणि नागलोक में है, नागलोक सुरक्षित है। इस मणि को नागलोक तक पहुंचाने का भार मैंने लिया है। इस मणि को अपनी सुनिश्चित जगह पर पहुंचाने के बाद मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। मुझे संदेह है अस्तिका, ये तुम्हारे कर्तव्य का अंत नहीं, यहां से तुम्हारे कर्तव्य की नई शुरुआत होगी। Thank you.
प्रणाम महाराज तक्षक। महायुद्ध समाप्त हो चुका है, नागलोक की धरोहर और आपके जीवन की सबसे बड़ी सौगात महादेव से वरदान में मिली है नागमणि अब हमारी है। का सर्वनाश, कलयुग का अंत होगा अंत, एक ऐसे युग का निर्माण होगा जो हमारा युग होगा, सर्पों का युग, एक ऐसा युग जिसमें सिर्फ सर्प राज करेंगे। महाग्रहण आ रहा है, सूर्य पर ग्रहण होगा और यही उपयुक्त समय होगा पृथ्वी पर आक्रमण करने का, और इस मणि से हमारा ये नागराज्य अजेय हो जाएगा। अस्तिका, तुमने पुनः मेरे जीवन को एक बार गौरवान्वित कर दिया है। तुमने ये मणि मुझे सौंपकर अपनी कृतज्ञता एवं अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। यह तो मेरा कर्तव्य है महाराज। अब वो दिन दूर नहीं जब भविष्यवाणी सच होगी। जाओ, अपने मानव पुत्र को नागलोक लेकर आओ और वो बनेगा नागलोक का सबसे बड़ा शास्त्र। किंतु सतर्क रहना होगा उस वासुकी से। वासुकी से, वासुकी से। दीदी, कोई भी तपस्या जो ब्रह्मांड के हित में नहीं है उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं है वासुकी। अर्थात पूरा ब्रह्मांड संकट में है। तक्षक देवराज इंद्र से अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। पृथ्वी लोक पर संहार और देवलोक में संग्राम होता दिख रहा है मुझे। अस्तिका नागदेव को हराकर नागमणि लेकर तक्षक के पास पहुंच गया है। किंतु अस्तिका से नागमणि वापस पाना कुबेर की कोठरी से उसकी धन संपदा चुराने जैसा कठिन कार्य है मनसा दीदी। यदि मैंने मणि चुरा भी ली तो उसे धारण करेगा कौन? सदियों पहले की गई भविष्यवाणी अब सच हो गई है। धरती लोक पर उस बालक का जन्म हो चुका है जो ये मणि धारण कर सकता है। यदि पृथ्वी लोक पर ये चमत्कार हो चुका है तब तो उस मणि का शीघ्र उस बालक तक पहुंचना आवश्यक है। लेकिन अगर उससे पहले अस्तिका बालक को लेकर नागलोक पहुंच गया तो फिर समूचे ब्रह्मांड की महाशक्ति भी इस हाहाकार को रोक नहीं सकेगी। वो उस बालक को ऐसा शस्त्र बना देंगे कि संसार में कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घड़ियों का समय है। अस्तिका के बालक तक पहुंचने से पहले तुम्हें वो मणि बालक तक पहुंचाना होगा। तुम्हें ये चुनौती लेनी होगी वासुकी, वो भी तत्काल। तक्षक से मणि हासिल करने का सिर्फ एक ही उपाय है, मोहिनी यज्ञ। भगवान नारायण के मोहिनी अवतार से प्रेरित इस मोहिनी यज्ञ से ब्रह्मांड का कोई भी जीव
जंतु, प्राणी, मानव, दानव, सर्प, देवता, गंधर्व, किन्नर, किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। उदय से सूर्यास्त तक विधिवत यज्ञ के बाद यज्ञ के कुंड से उठता धुआं नाग लोक तक जाएगा। तुम्हें इस धुएं के पीछे पीछे जाना है। यह धुआं तुम्हें नाग लोक ले जाएगा। वहां पहुंचते ही धुएं के कारण तक्षक और उसका पूरा नाग लोक मूर्छित हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, मणि को उठाते ही इस धुएं का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तक्षक भी मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाएगा। मणि लेते ही तुम्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। लाओ प्रणाली, मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो। रुको, पुत्र का ये तो केवल एक अस्त्र है तुम्हारे लिए, पर मैं मां हूं इसकी। मैं अपने बच्चे को तुम्हारा या तुम्हारी दुनिया का हथियार नहीं बनने दूंगी। प्रणाली, इस बालक को नागलोक ले जाना मेरा कर्तव्य है। तुम नहीं जानती यह बालक क्या बनने वाला है। महाराज तक्षक के मार्गदर्शन में यह बालक मुझसे भी बड़ा बनेगा। ये कोई आम बालक नहीं है। अप्सराएं इसके कीर्ति की गीत गाएंगी, देवता स्वयं इसे नमन करेंगे, त्रिभुवन इसके नाम मात्र से डरेगा। क्यों कोई मेरे बेटे से डरे? मैं चाहती हूं पूरा संसार मेरे बेटे से प्यार करे। बात समझने की कोशिश। नहीं अस्तिका, अपनी मोहिनी बातों से तुम एक औरत को धोखा दे चुके हो, पर एक मां को कभी नहीं दे पाओगे। मैं नहीं जानती थी तुम एक नाग हो और इंसान बनकर मुझसे छल करने आए हो, पर अब नहीं, मैं अपने बेटे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं गिरने दूंगी।
सृष्टि का एक नियम है तक्षक, नियत ही सदैव नियति का निर्णय करती है। बुरी नियत किसी भी शक्ति को समाप्त कर देती है। इस मणि को लेकर तुम्हारी नियत साफ नहीं है, इसलिए मैं इसे वहां ले जा रहा हूं जहां इसकी नियति है। इस बालक का जन्म एक महान लक्ष्य पूरा करने के लिए हुआ है, मां की ममता, परिवार का स्नेह प्राप्त करने के लिए नहीं। इस महान लक्ष्य के लिए मोह माया को त्याग कर बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं इसे नागलोक ले जाकर रहूंगा, यह नागलोक की धरोहर है। सुखी, तू छल करके ले जा रहा है ये मणि। शब्द श्रृंगी, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगे। जब तक मैं वापस नहीं आता जितनी ममता न्योछावर करनी है इस बालक पर कर लो। मैं इसे नागलोक लेकर जाऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो अस्तिका, पर जब भी तुम अपने बेटे के सामने आओगे मेरी ममता का कवच तुम्हें पिता बना देगा। तुम्हारी सारी शक्तियां कमजोर होती जाएगी। पिता का मोह तुम्हें इतना परेशान कर देगा कि तुम अपने बेटे से कभी जीत नहीं पाओगे, और ये मेरा तुम्हें श्राप है। जब तक मैं वापस नहीं आता जितनी ममता न्योछावर करनी है इस बालक पर कर लो। मैं इसे नागलोक लेकर जाऊंगा। जब तक मैं वापस नहीं आता ममता न्योछावर करनी है मैं इसे नागलोक लेकर जाऊंगा। मैं चाहूं तो अभी शिक्षण तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार सकता हूं। मैं यहां से भयभीत होकर नहीं भाग रहा, किंतु मैं नहीं चाहता कि नागों के रक्त से धरती लाल हो। विध्वंसक मार्ग किसी के लिए उचित नहीं होता। एक अति विशिष्ट कार्य के लिए मुझे समय की गति को पकड़ना है। लौट जाओ जहां से आए हो। रक्षा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर जाओ, गंगा मैया की गोद में। हाँ!
वासुकी वासुकी वासुकी। गंगा मैया, इस संसार में हर कोई तुम्हें मां पुकारता है, मैं भी एक मां हूं। अपने इस ममता के मोती को
तुम्हारी गोद में सौंप रही हूं। इसकी रक्षा करना मां, इसे नया जीवन देना, दुनिया के हर खतरे से इसे बचाना। जय भोलेनाथ। आज नागपंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप लोग कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। भगवान महादेव आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ।
हे भोले भंडारी, सालों से बस एक ही मनोकामना लेकर आपके पास आ रही हूं, आज भी वही इच्छा लेकर आई हूं। मेरी सोनी कोख भर दे, मुझे मां बनने का सुख दे दे। शीघ्रम 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 बोल बम। वो जो सब जानता है, वो जो सब करता है, उसकी माया वो ही जाने। नाग पंचमी के दिन मिला है तुझे ये बालक, बाबा का आशीर्वाद समझ कर रख ले इसे, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। सूनी गोद भरी है तेरी आज, ये तेरा कन्हैया और तू इसकी यशोदा मैया। हर हर महादेव। महादेव की आशीर्वाद से हमें ये बच्चा मिला, आप ही इसका नामकरण कर दीजिए ना। मृत्यु पर विजय पाई है इसने, योद्धा है योद्धा, अर्जुन की तरह जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाएगा ये बालक। अर्जुन, अर्जुन नाम इसका रख। हर हर महादेव। बोल बम। मेरा बेटा अर्जुन,